So students, we can see that there is a tussle of views between, we can say, father and son, because both are the member of Congress, और दोनों में ही जो ideas थे वो match up नहीं हो रहे थे. So you can see in this page number 62, second paragraph, that in such a situation of internal debate and discussion, two factor again shape the Indian politics. दो ऐसे important event हुए जिससे कि India की जो political situation थी that was change. First event ये है टाइम अपना 1920 का. द फर्स्ट इवेंट जो था वो था वर्ल्ड वाइड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. इफ यू रिमेम्बर इन क्लास 9 जब हमने चैप्टर पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी था एंड नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में भी था ग्रेट डिप्रेशन. कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब क्रैश हो गई थी एंड द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी फॉल डाउन, उस जैसा असर उसका उस समय पर जर्मनी में हुआ था, सेम वैसा ही इफेक्ट कहाँ पर आया? ऑल ओवर वर्ल्ड. एंड इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, तो इंडिया पर भी उसका क्या हुआ, असर आया. तो था फर्स्ट इवेंट विच चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री. और सेकेंड इवेंट क्या था कि ड्यू टू दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनके जो प्राइस थे वो क्या होने लग गए, डाउन होने लग गए फ्रॉम 26 to 30, यानी कि फोर इयर्स 1926 से लेकर 1930 तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया और इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होने लग गई एंड द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स वर कोलैप्स. कोलैप्स मींस डाउन हो गया, एकदम कम हो गया. एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल डाउन फ्रॉम 1926 to 1930. और उससे क्या हुआ, जो डिमांड थी एक्सपोर्ट की वो भी धीरे धीरे कम हो. Now here is a difficult situation for the peasants. क्योंकि जब रेट कम हो गए तो वो कम दामों में अपना क्या करेंगे, they will sell their produce in a very low price. And when they will sell their produce in a low price, उनकी जो income है वो income कम हो जाएगी. When their income will be low, they will not able to pay the revenue to their landlords. क्योंकि ब्रिटिशर्स जो revenue है वो पीजेंट से डायरेक्ट नहीं लेते थे, वो लैंडलॉर्ड से लेते थे, जमींदारों से. और जमींदार रेवेन्यू किससे लेते थे, किसान से. सो इट इज अ वेरी, वी कैन से, पेनफुल सिचुएशन फॉर दी पीजेंट्स एट दैट टाइम. और ये 1926 से लेकर 1930 तक ऑल ओवर कंट्री में यही सिचुएशन रही. और एट दैट टाइम जो हमारा मेन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो सिवाय एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इन अ डेवलपिंग कंडीशन, वी आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. तो यहाँ पे हमारा कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था. उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो केवल अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए था. वॉट एवर द रिसोर्स दे नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी इन ब्रिटेन वो यहाँ से लेके जाते. तो यहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं. सो एट दैट टाइम दिस इज द सिचुएशन ऑफ अवर कंट्री. इसी टाइम पर एट द सेम टाइम वॉट हैपन दैट इन ब्रिटेन जो नई सरकार बनी, इसकी ट्रॉय वॉज अ एट द टाइम अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर ट्रॉय की नई सरकार बनी इन ब्रिटेन एंड वॉट दे डू, दे मेक अ कमीशन अंडर अ पर्सन जिसका नाम है सर जॉन साइमन. कमीशन इज अ टाइप ऑफ, वी कैन से, अ डेलीगेट, कुछ लोगों का वी कैन से अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स. सो दिस ग्रुप ऑफ मेंबर्स
कमिंग टू इंडिया, उनको क्या कहा वहां की गवर्नमेंट ने, ट्रॉय गवर्नमेंट ने, दैट यू गो टू इंडिया और इंडिया आके आपको क्या करना है। ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दे हैव टू सी दीज अरेंजमेंट, वेदर दीज अरेंजमेंट आर गोइंग इन अ गुड मैनर और नॉट। कोई यहाँ पे परेशानी है या समस्या है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लस व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ अवर कंट्री एट दैट टाइम, ये सब देखने के लिए कुछ लोगों का एक वी कैन से डेलीगेट्स, कुछ लोगों का ग्रुप कहाँ पर आया, फ्रॉम द ब्रिटेन दे कम टू इंडिया, और उसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। नाम साइमन कमीशन क्यों था, क्योंकि जो उनका हेड था वो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम क्या था, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज वॉज सर जॉन साइमन। नाउ दे आर कमिंग टू अवर कंट्री टू नो द कंडीशन ऑफ अवर कंट्री, बट ऑल आर ब्रिटिशर्स, और इस बात को लेके इंडियन नेशनलिज्म के जो हमारे लीडर्स थे, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, दे आर वेरी अनहैप्पी विद दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट दे आर कमिंग टू अवर कंट्री टू नो द कंडीशन ऑफ इंडियंस, हाउ द ब्रिटिशर्स आर रेस्पॉन्डिंग अवर डिमांड्स, बट देयर इज नो इंडियन। और इसी बात को लेके व्हेन दे कम टू इंडिया पीपल ऑफ अवर कंट्री हैव अपोज देम। जैसे ही वो लोग बॉम्बे एयरपोर्ट पर आए, उनको बहुत ज्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ी, लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड नियर द एयरपोर्ट, और वो वहां पर स्लोगन जिसे कहते हैं हल्ला मचाने लगे, नारे लगाने लगे, व्हाट, साइमन गो बैक। दैट्स व्हाई पीपल आर वेरी अनहैप्पी। सो इन आपकी किताब में भी लिखा है एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो दैट वाई द पीपल ऑफ इंडिया आर अपोजिंग द साइमन कमीशन। सो पीपल ऑफ इंडिया आर अपोजिंग साइमन कमीशन बिकॉज इन साइमन कमीशन देयर वॉज नो इंडियन मेंबर, कोई भी इंडियन मेंबर उसमें नहीं था। सो व्हेन साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया इन 1928, दे वर ग्रीटेड विद अ स्लोगन साइमन गो बैक। और इंडिया के अंदर उस समय जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑल द पार्टी गैदर कम इन अ वन फ्रेम वन अम्ब्रेला, और सबने मिलकर साइमन कमीशन को अपोज किया। इसमें मेन जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एफर्ट, या इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला मच गया कि इसके बाद में जो लॉर्ड वॉर्सराय थे, कौन, लॉर्ड इरविन, जो हमारे यहाँ पर जो वी कैन से द हाई टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, वो कौन थे, लॉर्ड इरविन, अनाउंस इन अक्टूबर 1929 आ स्टेटस फॉर इंडिया, और वो स्टेटस क्या था, डोमिनियन स्टेटस, दैट इंडिया इज एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, जिससे कि इंडिया का फ्यूचर स्पेसिफाई नहीं है, इट वॉज नॉट इन वी कैन से इनडेफिनेट पोजिशन और इन अ क्लियर कट पता चले कि ब्रिटिशर्स आर गोइंग फ्रॉम इंडिया और नॉट गोइंग फ्रॉम इंडिया। सिचुएशन वॉज नॉट क्लियर फॉर द नेशनल फ्रीडम फाइटर्स, वी कैन से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको लीडर्स को ये नहीं पता चल रहा था कि हम वी आर गोइंग टू द पाथ टूवर्ड्स फ्रीडम और वी आर कमिंग ऑन अ सेम सिनेरियो जो इतने सालों से हमारे साथ चलता आ रहा है। एंड व्हाट, देन व्हाट हैपन, दे इनवाइटेड इंडियन लीडर्स फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंडिया को किसका स्टेटस दिया उन्होंने, डोमिनियन स्टेटस, और उस स्टेटस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दे स्टार्टेड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड दे इनवाइटेड इंडियन नेशनल लीडर्स टू कम टू ब्रिटेन एंड डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस डोमिनियन स्टेट। बट कांग्रेस
कांग्रेस लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. नाउ अगेन देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस, दैट वॉज रेडिकल्स एंड लिबरल्स. रेडिकल्स जिसे हम यंग लीडर्स थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, एंड लिबरल सी आर दास मोतीलाल नेहरू. अब इन जो रेडिकल्स और लिबरल्स लीडर थे इनमें आपस में अगेन देयर वॉज अ टर्सल और टेंशन बिटवीन दीज टू आइडियोलॉजीज. नाउ बोथ दीज लीडर्स आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ ब्रिटिशर्स कि यहाँ से इंडियन लीडर्स जाए और इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस होगा, वो भी कहाँ पर होगा? ब्रिटेन के अंदर. व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेकिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, सो दिस व्हाट विल बी द वी कैन से ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेक, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द इंडियंस नॉट द ब्रिटिशर्स. ये कहना था जो यंग लीडर्स थे कांग्रेस के उन लोगों. So the liberals and moderates who were proposing a constitutional system within a framework of British dominion gradually lost their influence. धीरे धीरे करके कांग्रेस के अंदर जो ये लिबरल थिंकिंग के लोग थे, which we can say senior citizens थे, उनका जो एक importance थी या उनकी जो position थी वो कांग्रेस में धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग. So and दिसंबर 1929 कांग्रेस के लीडर कौन बने? जवाहरलाल नेहरू. लाहौर में सेशन हुआ उसका एंड इन दैट पर्टिकुलर सेशन जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड दैट नाउ वी विल टेक अ फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. उसको उन्होंने क्या डिमांड रखी? पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स फॉर इंडिया. और ये कब हुआ? 26 जनवरी 1930 को इन लाहौर. वो चल रहा था कौन सा सेशन? कांग्रेस का सेशन, लाहौर सेशन, जो कि दिसंबर में शुरू हुआ था और जनवरी तक कंटिन्यू. सो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड द फुल इंडिपेंडेंस ऑफ पूर्ण स्वराज. और बच्चों यही रीजन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में ही बन गया था, बट हमने उसको एक्सेप्ट कब किया? 26 जनवरी 1950. सो दैट ये जो दिन था 26 जनवरी 1930, जो हमने पूर्ण स्वराज जिस दिन डिमांड किया था ब्रिटिशर से, उसको हम हमेशा याद रखें. दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950. सो इट विल सेलिब्रेट एज अ इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. एंड महात्मा गांधी ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर डिसीजन. नाउ महात्मा गांधी हैज फाइंड अ वे टू रिलेट दिस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज ऑफ फुल इंडिपेंडेंस विद देयर डे टू डे लाइफ. महात्मा गांधी जी अब ऐसा कोई रास्ता देख रहे थे कि इस पूर्ण स्वराज की डिमांड को हम किससे रिलेट करें? एक ऐसी चीज से जो हमारे डे टू डे यूज में हरेक कोई यूज करता है, आइदर द रिच पर्सन और द पुअर पर्सन, मोटा पतला काला गोरा छोटा बड़ा सब उस चीज को यूज करते हैं. सो कैन यू जस्ट गेस व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग जो गांधी जी ने सोचा, एक ऐसी चीज जो हर इंडियन यूज करता है? दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर, वी कैन से फॉर द टेस्ट बड ऑल्सो, दैट वॉज सॉल्ट. कि गांधी जी ने कहा एक नमक एक ऐसी चीज है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, बिकॉज विदाउट द सॉल्ट वी कैन नॉट ईट अवर फूड. बिना चीनी के हम खाना खा सकते हैं, बट बिना नमक के हम खाना नहीं खा सकते. सो दैट्स वाई गांधी जी ने क्या सोचा कि नमक एक ऐसी चीज है जिससे कि हर इंडियन एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है. तो अगर हम
नमक की बात को लेकर, नमक एक को इशू बनाकर इस अगेन नेक्स्ट फ्रीडम मूवमेंट को शुरू करेंगे, सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल बी एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर फ्रीडम। इसीलिए उन्होंने किसको चूज किया? सो महात्मा गांधी फाइंड सॉल्ट अ वेरी पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, और इसीलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 को इमीडिएटली, जैसे ही पूर्ण स्वराज की मांग की जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेसिडेंसी स्पीच में, ही सेंट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन, वॉसराय इरविन को लेटर दिया, और उसमें कितनी डिमांड थी? 11 डिमांड्स। एमसी क्वेश्चन में आता है हाउ मेनी डिमांड्स? 11 डिमांड्स। और ये जो 11 डिमांड्स थी, दैट ऑल द 11 डिमांड्स आर रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जनरल डिमांड थी डिफरेंट क्लासेस, इंडस्ट्रियलिस्ट पर्संस की, पीजेंट्स की, स्टूडेंट्स की, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग थे उनकी, ईच एंड एवरी। कहने का मतलब है हर सेक्शन के लोगों से रिलेटेड डिमांड को एक 11 डिमांड बनाकर गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को। और उन्होंने क्या लिखा उस लेटर में? दैट दिस इज जस्ट लाइक अ अल्टीमेटम फॉर यू, दैट आइदर यू एग्री विद ऑल दीज 11 डिमांड्स, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अ यूनाइटेड कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और उसमें जो सबसे ऊपर डिमांड उन्होंने रखी थी, वो डिमांड कौन सी थी? सॉल्ट से रिलेटेड, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। क्योंकि एट दैट टाइम इन 1930 हमारे देश में जो भी नमक बनता था, वो नमक इंडियंस को बनाने की परमिशन नहीं थी। ओनली ब्रिटिशर्स हैव अ, यू कैन से, मोनोपोली और अ सोल राइट टू मेक अ सॉल्ट। नमक बनाने का जो राइट था, अधिकार था, केवल किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास। इंडियंस के पास नमक बनाने का राइट नहीं था। तो सबसे पहली डिमांड जो गांधी जी ने रखी थी वो क्या थी? अबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। बिकॉज सॉल्ट एक ऐसी चीज है विच वॉज कंज्यूम बाय ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी पर्सन। सो गांधी जी डिक्लेयर कि इतना जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ की, उस पर भी ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा है? टैक्स लगा रखा है। तो यू जस्ट इमेजिन कि जो एक नमक जैसी चीज पर टैक्स लगा रखा था, तो हमारी डे टू डे यूज की ऐसी कोई सी चीज नहीं थी जिस पर ब्रिटिशर्स ने हमसे टैक्स ना लिया। इसीलिए गांधी जी हैज टेक अप द मैटर ऑफ सॉल्ट। सो द लेटर ऑफ महात्मा गांधी जस्ट लाइक आई सो अल्टीमेटम। अल्टीमेटम फॉर एग्जाम्पल टू और थ्री डेज आई हैव गिवन यू अल्टीमेटम दैट दिस इज द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ होमवर्क, दैट इफ यू नॉट सबमिट योर होमवर्क यू विल नॉट गेट द मार्क्स। दैट वॉज द अल्टीमेटम, दैट आफ्टर दैट वी विल टेक एक्शन, वी विल नॉट लिसन टू यू। दैट वॉज कॉल्ड अल्टीमेटम, लास्ट वार्निंग जिसे हम कहते हैं। सो यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था? अल्टीमेटम। इट इज जस्ट लाइक अ अल्टीमेटम दैट इफ दीज 11 डिमांड्स आर नॉट फुलफिल अप बाय द 11th ऑफ मार्च, टाइम भी दिया है उनको, जनवरी में डिमांड रखी थी और उनको मार्च तक का टाइम दिया था। नाउ कांग्रेस विल लॉन्च अ न्यू मूवमेंट दैट वॉज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। पहले कौन सा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब कौन सा मूवमेंट लॉन्च करेंगे? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। व्हेन लॉर्ड इरविन गेट दिस अल्टीमेटम, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जस्ट लाइक अ एक जर्नल लेटर की तरह, एक एप्लीकेशन की तरह उसने उसको पढ़ा और क्या करा? अलग रख दिया। सो नाउ when Irwin did not respond anything on this particular demand, what the Gandhi ji do? Gandhi ji start their famous, we can say, walk
जिसका नाम था सॉल्ट मार्च। सो गांधी जी स्टार्टेड देयर सॉल्ट मार्च और उनके साथ कितने लोग थे, 78 देयर ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। गांधी जी के साथ उनके जो वॉलंटियर्स थे या उनके जो फॉलोअर्स थे, दे ऑल मूव विद गांधी जी। और ये मार्च कितने माइल्स का था, 240 माइल्स। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, 240 माइल्स। और ये गांधी जी ने शुरू किया था फ्रॉम हिज आश्रम साबरमती, अहमदाबाद में है जो, और कहां तक, अप टू दी कोस्टल सिटी ऑफ गुजरात, दैट वाज दांडी। सो आज व्हेन टुडे यू विल सी योर वीडियो, यू जस्ट सी इन द मैप ऑफ इंडिया, बिकॉज मैप क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस चैप्टर में से। तो ये दोनों ही जो जगह है, साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद एंड कोस्टल टाउन दांडी, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो यू जस्ट वॉच कहां पर है अहमदाबाद और कहां पर है आपका दांडी। सो अहमदाबाद से कोस्टल टाउन दांडी तक गांधी जी कैसे गए, मार्च यानी कि पैदल चल के विद देयर 78 वॉलंटियर्स। और कितना टाइम लगा उनको, 24 डेज। और एक दिन में कितना चलते थे वो, 10 माइल आ डे, 10 मील, किलोमीटर की बात नहीं कर रही हूं मैं, 10 माइल आ डे दे यूज टू गो। थाउजेंड्स पर्सन, दोस्त, जो भी कोई सुनता था कि गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ आ रहे हैं, पीपल कम टू सी गांधी जी, ग्रीट गांधी जी, उनको, उनके बारे में सुनते थे। और जहां कहीं भी रात हो जाती थी वो वहीं रुक जाते थे, उसी गांव में रुक जाते थे, एंड टेल द पीपुल अबाउट दिस पर्टिकुलर मार्च, अबाउट दिस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड स्वराज। और गांधी जी कब पहुंचे वहां पर, 6th of April। सो 6th of April इंडिया की हिस्ट्री में एक बड़ी डेट है, दैट गांधी जी रीच देयर दांडी ऑन 6th of April। और इधर 6th of April से ही उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था अगेंस्ट दी दिस रोलेक्ट एक्ट। एंड यहां पर उन्होंने क्या किया, सेरेमोनी करी है, किसकी, नमक का जो कानून था, सॉल्ट लॉ को तोड़ने की, टू वायलेट द लॉ एंड मैन्युफैक्चर दी सॉल्ट बाय बॉइलिंग दी सी वाटर। यू ऑल नो कि जो समुद्र का पानी है दैट वॉज सॉल्टी, सो वॉट ही डू, समुद्र के किनारे जब पहुंच गए वो दांडी, ही यूज टू बॉइल द वाटर एंड आफ्टर बॉइलिंग वाटर इवेपरेट और नीचे क्या बच गया, सॉल्ट। सो वॉट गांधी जी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। जब गांधी जी ने शुरू कर दिया तो इंडियंस को तो एक तरह से क्या बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गया, लाइसेंस मिल गया। नाउ ईच एंड एवरी इंडियंस जिनको कि आता था हाउ टू मेक अ सॉल्ट, नाउ दे पर्सनली स्टार्ट मेकिंग सॉल्ट। सो दिस वॉज कॉल्ड अबोलिश, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ना। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, जो हमारा सॉल्ट मार्च, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हिस्ट्री। सो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट। सो इससे क्या शुरू हुआ हमारा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत किससे हुई थी, 6th of April को, वेन गांधी जी स्टार्टेड आ हड़ताल अगेंस्ट दी रॉलेक्ट एक्ट। सो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्टेड। नाउ अगेन सेम सिचुएशन इज हियर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, हाउ द पीपल सी दिस पर्टिकुलर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, उन्होंने कैसे इसको अप्रिशिएट किया, किस तरह से इसके ऊपर अपना आइडियाज दिए, अपना पार्टिसिपेशन दिया, दिस इज द नेक्स्ट वी कैन से टॉपिक और द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हाउ पीपल रिएक्ट टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ ब्रेकिंग द सॉल्ट। सो हाउ पीपल रिएक्ट इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।